अक्सर देखने को मिला है, चाहे कोई भी बड़ी से बड़ी बीमारी हो या मुसीबत क्यों ना आ जाए, इसके बावजूद भी सियासत रुकने का नाम नहीं लेती। आपसी अटकलें हमेशा ही चलती रहती हैं। ऐसा ही कुछ देखने को मिला है पंजाब में, जहां पर अकाली दल ने आरोप लगाया है कि पंजाब सरकार गरीबों को राशन देने के बड़े बड़े दावे तो कर रही है, पर हकीकत कुछ और ही है। उनका कहना है कि कांग्रेस विधायक इंद्रबीर सिंह बुलारिया अपने घर पर ही बैठे हैं और उनके इलाके के लोग भूखे मर रहे हैं। इसके साथ ही उनका कहना है कि पद्मश्री भाई निर्मल सिंह खालसा की मौत के बाद उनके इलाके की स्क्रीनिंग की गई थी, मगर ये सब सिर्फ एक ड्रामा था। यहाँ पर एक बार भी ना तो ढंग से स्क्रीनिंग हुई है और ना ही सैनिटाइजेशन की गई है। मेरा नाम बिक्रमजीत सिंह बादल, इंचार्ज वार्ड नंबर 41 श्रोमणी अकाली दल तो। सैनिटाइजर ना तो जी, हलका दखनी की जी संगत है इस वेल बिल्कुल ही लवारिस हो पी है। हलका विधायक तो पिछले डेढ़ महीने तो अपने घरों नहीं निकलिया, तो ना ही संगत को कितने राशन मुहैया करा रहा, ना कितने गलिया कोई सैनिटाइजिंग कुछ भी, किसी ना की सरकारी सहूलत ना की कोई चीज़ नहीं हैगी। इतने जे गिणिया जाए सरदार तलबीर सिंह गिल ने लोगों के घर घर राशन पहुँचाया, तो सारी संगत को जिन्ना भी है सैनिटाइजर आप गलियां कर रहे हैं, तो जो बनती लोड़ींदा मदद आ जिन्हें जो कि समर्थवा वो आप कर रहे हैं। प्रशासन वालों पहला भी कोई स्प्रे या राशन वंडिया? प्रशासन वालों राशन के नाते जी 5 किलो दैलियां कद मेरे सामने 15-20 थैलियां वार्ड नंबर 41 चो वंडिया होनी वा, कि इन्होंने फोटोवान लवा के एक दो फेसबुक पर पाइया कि हल जरा वार्ड का कौंसलर आ वो बिल्कुल ही एक नखेद आदमी है, जिन्हें कि बिल्कुल भी जी वार्ड की सार नहीं लाई ना। देखो वार्ड के कौंसलर की एक जिम्मेवारी आ कि अपनी जी हल वार्ड की संगत आमएलए साहब तक आवाज़ बचानी, MLA भी सुता वा तो वार्ड का कौंसलर भी सुता वा, राशन के बिल्कुल नहीं संगत को मुहैया करा रहे। आप अगे चल के देखो कि लोगों का विरोध पंजाब सरकार के खिलाफ किन्ना वा। यह जो अज का स्प्रे है सरदार तलवीर सिंह गिल इंचार्ज हलका दखनी श्रोमणी अकाली दल तो, उन्होंने वालों स्प्रे कराया जा रहा वा। लगता कि इस टाइम से राजनीति नहीं होनी चाहिए कोई? देखो राजनीति जी श्रोमणी अकाली दल ने कभी भी राजनीति नहीं की, जो भी कोई दुख सुख बनया वा वो दुख सुख हमेशा खड़ी हुई है। राजनीति कांग्रेस सरकार से कांग्रेस के नुमाइंदे कर दे, साढ़े वालों कोई राजनीति नहीं, अं लोग सेवा कर रहे हैं पिछले 40 दिनों तो। देखो मौजूदा सरकार तो लोग इन्ना तंग रहे, यहाँ जो तुम रिजल्ट है 2022 दी आने वाली चोणों इन्हों मूदड़े मूँह सुट के तुम नज़र आएगा। देखो ये साडा इलाका शहीद ऊधम सिंह नगर आ, जिथों इस इलाके तो साढ़े दो वीर जेड़े आ कोरोना वायरस ने अपनी जान जी गवा चुके, साढ़े सत्कारयोग भाई साहब भाई निर्मल सिंह जी, सरदार जसमिंदर सिंह जी, और अज आप उस इलाके के खड़े हाँ कि जिते थोड़े दिन पहला सरकार ने एक शोशा छड़िया स्क्रीनिंग का बड़ा रौला पाया अखबारों के टीवी चैनलों के, अं जी सारे इलाके की स्क्रीनिंग करा उस डिस्पेंसरी के बहर आप खड़े हैं अच्छ, और वो स्क्रीनिंग मैनू तू मेरे नो वो पता होना कि उस स्क्रीनिंग गई कितने, कोई स्क्रीनिंग नहीं हुई और लोगों इतने मूर्ख बनाया गया। जिहड़ी चीज़ की लोड़ आ लोगों राशन की लोड़ आगों जो मुहैया नहीं कराया गया, लोग बेचारे दर दर दियाँ ठोकर खा रहे हैं। मैं उन्होंने वीर का भैन भरावान का धन्यवाद करदा जिन्हें लोड़वंद परिवारों की बाँह फड़ी और लोगों राशन दिता, और जे सरकार की गल करिए तो यह सरकार लोगों के भले का काम तो नहीं कर सकती, लोगों शराब जरूर वंडन लग गई है कि लोगों के घड़ा घर लड़ाइया कलेष, ये सरकार का जोड़ा शराब का जोड़ा रिजल्ट तुम वेखो 2-4 दिन के सोशल डिस्टेंस ना दियाँ धज्जिया उड जाएगियाँ, कोई सोशल डिस्टेंस नहीं रहना जो हालात पंजाब दे रहे। बहुत घटिया गल जी सरकार वास्ते आ कि सरकार जी जमा फेल हो चुकी। क्राइम की गल कर लीए, क्राइम वधिया, लॉ एंड ऑर्डर के ना की कोई चीज़ नहीं। आ एक एक परसों की गल आ, परसों रात साडा एक वीर आ प्रदीप सिंह रिंकू, वो आपदे ऑफिस तो आपदे घर चलिया सीगा, आ बाहर उन्हूं मेन सुल्तानवंड रोड से उन्हूं डाकया गया, 3 जने ने डाकया, उसके लत्त च गोली मारी, वो तो पैसे मोबाइल खो के लै गए, तो लॉ एंड ऑर्डर की कोई गल नहीं, इतने सारा कुछ जोड़ा वो खत्म होया पे। घर घर नौकरी नहीं, घर घर शराब पहुँचाने का वादा किया, मैंने याद आना वो काम जरूर कर देंगे। नौकरी ना दी नौकरी तो तुम्हें पता ही है, नौकरियां ने कितने देनिया, पहला भी इन्हें कई कोई नौकरियों के ना देना सरकार तो बना ली आ, पर घर घर नौकरी देने वाली तो गल खत्म है, वो तो बड़े चिर की इन्हें कहानी खत्म होगी। देखो मैं तो सरकार को आना कि तुम ठेके जो खोली जाते तो गुरुद्वारे मंदिर भी खोलो ना, कि ठेके जरूरी आ जिते लोगों की आस्था में ये ढा ला रहे,
मैं तो मैनू मैं कुछ समझ ना सी कि मैं इन्हों कोई माड़ा चंगा कह क्योंकि लोग इन बारे आप ही जान चुके हैं कि जो इन के पले देखो लोगों के नीले कार्ड घटते आ वितकरा लोगों के सारे सामने आ मैं भी इस इलाके रहना भैन भरा बेचारे त्रास त्रास कर जिन्हों और मैं फकर ना यह गल कहना कि जिन्ना के सरकार ने इतने राशन वंडिया उदों वढ़ जिहड़ा राशन वह साडी श्रोमणी अकाली दल की टीम ने इतने वंडिया सरकार तो जमा ही फेल हो चुकी कोई इलाका नहीं इन्हें सैनिटाइज कराया मैं पिछले दिनी भी तुहानू पता मैं 5-6 वार्डां जिहड़ियां एसए मशीन के नाल मैं वह सैनिटाइज कराइया सीगियां अज फिर मैं उस इलाके आया जिस तरह मैं तुहानू पहला भी दस चुका कि जिते कई परिवार जिहड़े पॉजिटिव पाए गए उस इलाके मैं आया मैं दस रहा मैं उही इलाका वा जिथे दो डैथ करोना पॉजिटिव करके हुई मैं उस इलाके सैनिटाइज कर आया मेरे वीर खलोते आ लवली होनी तो अपना वीर काके होनी आ वीर बादल होनी इन्हों के मैं फोन आए कि भाजी साडा इलाका जिहड़ा वो जरूरी सैनिटाइज कराओ मैं इन्हों आप मिल के इतने उस दिन इन्हों सामने मैं मजीठिया साहब ना फोन पर गल की उन्होंने सूँ कहा कि तुम मशीन लै जाओ मैं अच्छे मशीन लैके ये इलाका ये नाल लगदियाँ जिहड़ियां होर भी कई वार्ड्स आ मैं सारियां करा कवर करा टेस्टिंग इतने तो गुरु रामदास सच्चे पातशाह आप ही करी जाते हैं जे सरकार ना दी इतने कोई चीज़ नहीं सरकार कुछ नहीं कर रही मैं हुण तुहानू बाद च एक दिन दसांगा कि कुछ उत्थे हॉस्पिटल दे विच हो रहा मैं एक दिन आप तुहानू सारयां नू मिल के दसांगा ये रब आसरे लोग जिहड़े आ बेचारे ठीक होई जांदे आ वो महाराज आप ही उन्हां नू सारे देखो इन्होंने पहला बहुत माड़ी गल इन वास्ते पहला जिस तरह साढ़े मुसलमान भाईचारे के वीरां नू इन्हां बड़ा रज के बदनाम किया जमातीए करके इदां ही हुण साढ़े जिहड़ी सिख गुरु की संगत है जिहड़ी साडी गुरु गोबिंद सिंह जी के दर्शन करन वास्ते उत्थे गई सी और उन्हां नू श्रद्धालु करके इन्ना क बदनाम करन की कोशिश की आ और बाकी परमात्मा आप देखदा उह सच्चे पातशाह वाहिगुरू आप ही इन्हां नू पछाणदा। अमृतसर से कैलाश प्रजापति की रिपोर्ट, लाइव अमृतसर। शंकर माली राम केडिया जी ने और एकी फ्लो की पूरी टीम ने इनिशिएटिव लिया है। लाइव अमृतसर को लाइक करें, फॉलो करें और सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। आपका हर कमेंट हमारे लिए प्रोत्साहन का काम करता है।